मत करो मेरी, छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो, रहम करो मुझ पर। मलिक दरवाजा खोलो फौरन। रुक जाए, तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? मलिक हट जाओ। लगा सकता मेरे बेटे, वो नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। आओ मेरे पास, वो मेरे भी जान, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ इब्राहिम, जैसे कासिम की जान लेंगे। उठो वालिदा, शाबाश, मेरे भी जान लेंगे वालिदा, मेरे साथ। आगे मत बढ़ना, अगर आगे बढ़े तो तुम लोगों की जान ले लूंगी मैं।
जालिम, तुम कासिम की जान कैसे ले सकते हो? क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें मलामत नहीं करता? जो अब इब्राहिम की जान लेने आ गए तुम, अगर तुम में हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो तुम्हें सबसे पहले मेरी जान लेनी पड़ेगी। अज़ाब नाज़िल हुआ है तुम पर, इस अज़ाब से डरना चाहिए तुम्हें। ऐसा मत करो, मत करो। लड़कियों आराम से, आराम से, आहिस्ता, आराम से, आहिस्ता। लाल हजार काल्फा जी, अब क्या सूरत हाल है? सब लोग ठीक तो हैं? सब ठीक है, शुक्र है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वालिदा कहाँ है? क्या वो हुजरे में नहीं थी? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। हाँ जी आगा, वालिदा कहाँ है? शहजादी, जलजले से पहले मलिका शहजादों के पास शमशीर लग गई थी। क्यों, क्या कुछ हुआ है? सुल्तान मुराद ने
शहजादों के कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया था। क्या मेरे भाई, क्या वो मर गए? आकाओं, महपेश की जाए फौरी। रोकने की कोशिश की मैंने, मैं चला तो के पीछे भागी, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले उन्होंने कासिम की जान ले ली। नहीं बचा सकी इसे, हिफाजत नहीं कर सकी मैं अपने बेटे की। उस्मान महमद और कासिम भी चला गया मुझे छोड़कर, मुराद इब्राहिम की भी जान लेना चाहता था, लेकिन मेरे रब को कुछ और ही मंजूर था। ये दुख भी देखना था मुझे, मेरा प्यारा बेटा सो रहा है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। मट्टी तले कैसे सुला दूं? कासिम, मेरे आका, शुक्र है आप खैरियत से हैं। आगा पूरे पायतख्त में चक्कर लगाकर गद्दारों का मालूम कर रहे हैं और मेरे आका तमाम तदाबीर ले ली गई हैं। आका माफ कीजिएगा, ये मना है आपको, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और अमीर जलेबी ने आपको इसके लिए मना किया था। यूसुफ, अमीर जलेबी ने जो कहा मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं।
मैंने अपने भाई कासिम को सजाए मौत दी, लेकिन इब्राहिम, थोड़ी देर पहले मैंने सुना था कि वो जिंदा हैं। आपने उनकी सजा रोक दी है? मैंने नहीं, रब ने इजाजत नहीं दी। इब्राहिम जिंदा रहे ये मेरी ख्वाहिश नहीं, रब की मर्जी है। शायद उस मजजूब ने सही कहा था। मजजूब ने? रिवान के सफर से वापस आते हुए मैं एक मजजूब से मिला था। उसने बताया था कि मेरी जिंदगी में मेरा एक भाई तख्त नशीन होगा। कासिम तो अब नहीं रहा, तो यानी तकदीर ने इब्राहिम को चुना है, और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि तकदीर का लिखा बदल सकूं। मेरे आका, हो सकता है कुछ लोग इब्राहिम को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहें। आपसे ज्यादा किसी में ताकत नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे आका, हम सब के खिलाफ जंग करेंगे, और आप देखेंगे कि हम तमाम दुश्मनों का सर नीचा करेंगे। कोई आपके आगे सर नहीं उठा सकेगा, और तमाम गद्दारों को तलाश करके उनका सर कलम कर दिया जाएगा। आका, हमें सिर्फ आपके हौसले की जरूरत है। आपकी शुजाअत और साया हमारे सर पे कायम रहे मेरे आका। मैंने उसे बताया था वालिदा, उससे कहा था मैंने, जल्लाद आ रहे हैं कासिम, भाग जाओ यहां से। लेकिन वो नहीं माना, यकीन नहीं किया मेरा। काश के मैं उसे यकीन दिलवा सकता। अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ मेरे बेटे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो कोशिश की बचाने की। मेरा कसूर है सब, इसकी वजह मैं हूं, मेरी वजह से हुआ ये सब। काश उस कबूतर जैसे मेरे भी पर होते वालिदा, बहुत बड़े बड़े। अगर ऐसा होता तो जब जल्लाद आए थे तो मैं कासिम को लेकर उड़ जाता, बहुत दूर ले जाता उसे, जहां हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाता, और हम कभी वापस नहीं आते वहां से।
पहले ही के काजी उमर अफंदी जिन्होंने आपके खिलाफ फतवा दिया था, क्या आप अशद नहीं है? उनको सजा दे दी गई है, उन्हीं के घर में उनका सर कलम कर दिया है। महल में दाखिल होने वाले जाफर आगा की छावनी के तमाम सिपाहियों की मालूमात हासिल करके उनको भी सजा दे दी गई है मेरे आका। और हलील पाशा वालिदा का वफादार, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। गाफिल को जब पता चला कि उसके साथ क्या हो सकता है तो वो भाग निकला। कमान कश मुस्तफा पाशा का जिक्र नहीं किया आपने। वालिदा सुल्तान के सबसे करीबी नामों में से एक, क्या इस गद्दारी में वो शरीक नहीं है? हुसैन बताओ, क्या कमानकश भी मुलव्विस है? शुक्र है कि उस रात को होने वाले वाकये से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से मालूमात ली है, पाशा कल रात बंदरगाह पे मौजूद थे, पाशा अपनी नाव से बाहर आए ही नहीं थे। सुल्तान मुराद को हमारे उस मंसूबे का पता कैसे चला? ये बात तो तय है कि हम लोगों से जरूर कोई गलती हुई है जिसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। मुझे तो छावनी वालों पर शक था लेकिन उनकी भी जान चली गई। हो सकता है महल में से किसी ने बताया हो। यह तो नहीं जानता पाशा, सिर्फ इतना जानता हूं कि इस वजह से शहजादे कासिम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हलील पाशा एहतियात कीजिएगा, वो अब आपके पीछे है। मैं जानता हूं हाजी, मैं जानता हूं, मैंने अपनी तदाबीर ले ली है। तुम हमें छोड़ो हाजी आगा, कौसम सुल्तान की खबर दो, वो तो बहुत अफसरदा होंगे। खैरियत से तो है वो? अफसरदा होना तो छोटा लफ्ज है, वो तो टूट गई है। उनकी वाहिद तसल्ली ये है कि शहजादे इब्राहिम अब भी जिंदा है। ये तो अल्लाह का करम हो गया कि आखिरी लम्हात में शहजादे की जान बख्श दी गई। मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे शहजादे, एक माँ का दिल खून के आंसू रो रहा है। तुम्हारी जुदाई में ये आसमान और जमीन रोते हैं। इस दुनिया में कोई भी मेरे कासिम की जगह नहीं ले सकता। तुम्हारे जाने के बाद मेरा वजूद बेमायने हो गया है, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। काश तुम्हारी मौत को रोकने की मुझ में ताकत होती, काश मैं वक्त पर पहुंच जाती तो आज तुम मेरी आंखों के सामने होते। और यही पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा कि मैं अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर सकी। तुम्हारी वालिदा किसके सामने रोए, किसके आगे फरियाद करे? बेटे, तुम्हारे चले जाने से हमारी खुशियां, हमारा सुकून
सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बेटे, मैं तुमसे वादा करती हूं, हमें रुलाने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ऐ जालिम बादशाह, तुमने अपने मासूम भाई की जान ली है, इसकी सजा तुम्हें मेरा रब जरूर देगा। तुम्हारा जमीर हर लम्हा तुम्हें मलामत करेगा। तुमने सिर्फ एक भाई की जान नहीं ली, बल्कि एक मां की ममता का भी गला घोटा है। मेरी आंखें मेरे कासिम के बगैर अंधी हैं और मेरी रूह बर्फ बन चुकी है। एक बेटे ने अपनी ही मां को अपनी औलाद का दुख दिया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये दुख कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। ऐसा लगता है जैसे हर चीज फानी हो गई हो। अफसोस, अफसोस, अफसोस कि तुम्हें जाते हुए नहीं रोक सकती मैं। काश मेरे बेटे तुम्हारी जगह इस जनाजे में मेरी लाश होती। ऐ मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान, मेरे दिल के टुकड़े, तुम तो सुकून की नींद सो गए, लेकिन तुम्हारी वालिदा को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। शहजादे कासिम के साथ वो शहजादे इब्राहिम का भी सर कलम करने वाले थे। वो तो शुक्र है आखिरी लम्हे में उनकी जान बच गई। शुक्र है पाशा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। शहजादे इब्राहिम को भी अगर मिट्टी में डाल देते तो फिर क्या होता? अल्लाह न करे, इस तरह तो पूरा खानदान खत्म हो जाता। आज महल से ताबूत ना निकलता, शहजादे कासिम आज भी जिंदा होते। अगर आप उस दिन दखल अंदाजी ना करते तो बादशाह को गिरफ्तार करके या फिर शहजादे कासिम को तख्त पर बिठा कर। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद इंसाफ पर है और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि आका इंसाफ का साथ कब का छोड़ चुके हैं। असल में तो तुम भटक चुके हो पाशा, कौसम सुल्तान के दायरे में तुम बुरी तरह फंस चुके थे। इस दफा तो मैंने तुम्हें बचा लिया है पाशा, लेकिन आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मैं ही खत्म कर दूंगा तुम्हें। काश ये हालात हमारे हाथ से ना निकलते और आपको इतना सख्त फैसला लेने की जरूरत भी ना पड़ती मेरे आका।
खुदा शहजादे को जन्नत नसीब करे। आमीन। उसने वालिदा के साथ मिलकर सल्तनत के ख्वाब देखे। मैंने उसको खुद समझाया लेकिन वो वालिदा की साजिश में फंस गया। मैं आपसे आपकी वालिदा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। शायद ये वक्त मुनासिब नहीं है लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ। कहो यूसुफ, कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? शुक्र है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा मेरे आका। इस बार साजिश नाकाम हो गई है। आपकी वालिदा दोबारा कोशिश करेंगी लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं आका, आप पर आंच भी नहीं आने देंगे हम। आपकी वालिदा शहजादे इब्राहिम की मौजूदगी का फायदा उठाएंगी। इजाजत है। मलिका, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे कहूं। आका ने हमें हुक्म दिया है कि आपको हम यहां से ले जाएं। मलिका, आका का यह हुक्म मेरे लिए सजा है। क्या हुक्म दिया है सुल्तान मुराद ने? क्या मेरी जान लेना चाहता है आप? क्या तुम जानती थी अतीका कि वालिदा मुझे तख्त से उतार कर कासिम को मेरी जगह तख्त पे बिठाना चाहती हैं? सच बताना अतीका, बिल्कुल सच। हाँ मैं जानती थी। मुझे हर एक से यही उम्मीद थी लेकिन तुमसे नहीं थी अतीका। शहजादे कासिम से तो जान छूट गई। वो तो आप सही कह रहे हैं पाशा, लेकिन कौसम सुल्तान और शहजादे इब्राहिम अभी तक जिंदा हैं और सुल्तान मुराद ने उन्हें कुछ भी नहीं किया। फिलहाल कह सकते हैं लेकिन उनकी बारी भी जरूर आएगी। अगर कौसम सुल्तान चैन से ना बैठी तो वो जरूर जवाब देना चाहेंगी और वो कब कौन सा कदम उठाएंगी हमें उसकी खबर होनी चाहिए। इस दुनिया में सल्तनत हमेशा जंग की वजह रही है और जंग में सिर्फ एक ही जिंदा रहता है। यानी हम दोनों में से जब तक कोई एक नहीं मरता ये जंग खत्म नहीं होगी।